हेलो गाइस, वेलकम टू नॉर्मल कुकिंग मार का स्वागत है। मैं फिर से लेके आई हूँ आज नई डिश। तो आज मैं बनाऊंगी मटर का पराठा। तो मटर के पराठा बनाने के लिए यहाँ देखिए, मैं मटर ले रखी हूँ। मैं थोड़ा सा बनाऊंगी इसलिए थोड़ा सा मटर ले रखी हूँ। आप ज़्यादा बनाएंगी तो ज़्यादा मटर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैं मटर ले रखी हूँ और इसमें डाल के, ये कच्ची मिर्ची है, अदरक है और जीरा है। मैं क्या करूँगी कि इसको मिक्सी के जार में पेस्ट बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मिक्सी के जार में ये मटर डाली हूँ और ये अदरक, कच्ची मिर्ची और जीरा को भी डाल लेती हूँ और क्या करती हूँ, इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मिक्सी का जार में इसको पीस ली हूँ, मटर को कितना अच्छा सा पीस ली हूँ। अब क्या करते हैं कि इसको साइड में कर देते हैं। और यहाँ देखिए मैं आटा ले रखी हूँ और आटे में अब डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो देखिए, नमक अपने हिसाब से डाल सकती हैं, तो मैं नमक डाल दी हूँ। अब क्या करती हूँ, जो ये मटर का बनाई थी इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैं सारे डाल दी हूँ। और अब क्या करती हूँ कि अपने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पानी का दरकार होगा तो पानी देंगे, और पानी का दरकार नहीं होगा तो पानी नहीं देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसको माख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मुझे पानी का इसमें दरकार है। तो मैं क्या करती हूँ, ये मिक्सी का जार को धो ली हूँ और धो के इसमें थोड़ा थोड़ा दे के और माख लेती हूँ। और वैसे इसको ये नहीं करना है, गीला नहीं करना है और वैसे टाइट भी नहीं रखना है, जैसे रोटी बनाते हैं उस टाइप के रखना है इसको। तो यहाँ देखिए इसको माख लेती हूँ। जितना अच्छा आटा माखेंगे उतना अच्छा पराठा बनेगा। तो मैं इसको अच्छे से माखती हूँ क्योंकि मेरा पराठा भी अच्छा बने सब सब। तो मैं इसको अच्छे से माख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आटा को माख ली हूँ। तो क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसमें ऑयल लेंगे और ऑयल से क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेके आप इसमें चारों तरफ लगा दीजिएगा और लगा के फिर से इसको गूंद लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा आटा और सॉफ्ट हो जाएगा। और अच्छे से इसको माख लेते हैं। और अब क्या करते हैं, इसको आटा को ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद इसका पराठा बनाएंगे, तब तक 5 मिनट ये अच्छे से भीग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा 5 मिनट हो गया है और मेरा जो आटा है अच्छे से भीग गया है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ सूखा आटा ले ली हूँ और क्योंकि सूखा आटा से बेलूंगी। और इसका क्या करती हूँ, पहले लोई तोड़ लेती हूँ सारे को। तो जिस टाइप के बनाना चाहेंगे आप उस हिसाब से लोई तोड़ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं इतना बड़ा बड़ा बना रही हूँ, तो मैं इतना बड़ा बड़ा सारे लोई को तोड़ लेती हूँ। तो मैं सबका ऐसे ही तोड़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं सारे को लोई तोड़ ली हूँ। अब क्या करती हूँ, इसमें सूखा आटा लगाऊंगी और सूखा आटा लगा के मैं इसको बेल लेती हूँ। अपने हिसाब से जितना बड़ा बड़ा बनाएंगे उतने हिसाब से मैं इसको बेल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं इतना साइज का बना रही हूँ। तो इतना साइज कर चुकी हूँ और मैं इसको साइड में कर देती हूँ और बाकी को भी मैं ऐसे ही बेल लेती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पहले सारे पराठों को बेल लेती हूँ फिर इसको सेकूंगी। तो यहाँ देख सकती हैं कि मैं इस टाइप का बेली हूँ। तो अब सब मैं ऐसे ही बेल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं सारे पराठों को बेल ली हूँ और अब चलते हैं गैस की तरफ पराठा को सेकने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं गैस पर तवा बैठा रखी हूँ। मेरा तवा गर्म हो चुका है। तो मैं क्या करती हूँ, मीडियम गैस पर मैं पराठे को डाल देती हूँ और इसको नीचे से अच्छे से पकने देती हूँ एक साइड से, फिर इसमें तेल लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा एक साइड से सीख गया है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इस साइड से भी सीख जाए मेरा, तो इसमें ऑयल लगाएंगे। तो इस साइड से भी मैं अच्छे से सीख लेती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा ऑयल दे देके इसको चम्मच से, और मैं नीचे भी ऑयल लगा देती हूँ। और यहाँ देख रही है फ्रेंड कि कितना अच्छा से मेरा पराठा बन रहा है। तो फ्रेंड्स, गैस को मीडियम पर रखिएगा नहीं तो आपका पराठा जल जाएगा। और मैं मीडियम गैस पर रखी हूँ और पराठे को अच्छे से सेक लेती हूँ। तो
फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा पराठा सीख गया है। तो मैं क्या करती हूँ, इस पराठा को उतार लेती हूँ और मैं दूसरे पराठे को भी ऐसे सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इसको भी पलट लेती हूँ और अच्छे से और नीचे से इसको सीखने देती हूँ। फिर इसमें तेल लगाएंगे तो मेरा नीचे से सीख जाए, फिर इसमें तेल लगाते हैं। तो मैं पराठे में तेल लगा देती हूँ। और इसके हेल्प से इसको दबाते रहिएगा, क्योंकि दबाने से मेरा पराठा बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ देखिए मैं इसके हेल्प से दबा रही हूँ और आपसे पलटिएगा। और फ्रेंड्स, मैं क्या कर रही हूँ कि ऐसे ही मैं बाकी पराठे को भी ऐसे ही मैं सारे पराठे को सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पराठा बन के रेडी है और कितना अच्छा सा फूल फूल के देखिए, यहाँ फूल गया अच्छा सा। और बहुत सिंपल सा रेसिपी था और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाएंगे कि एक तरह से और पराठा बनाते हैं मटर का। तो मैं दूसरे दिन आपको वीडियो पोस्ट करूँगी, तो आप ये ज़रूर वीडियो को ट्राई करें, अच्छा लगने से कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।